जाना, जैसे किसी का वित्त चला गया हो। एक बार विचार करो कि आपको पता चले कि आपके पास एक पैसा नहीं है, सोच के देखो, सोच के देखने में कुछ नहीं जाएगा, चिंता मत करो। भागवतकार कहते हैं कि नारद जी आपको देखकर ऐसा लगता है गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी व्यक्ति का सारा पैसा सारा धन चला गया हो। अरे सारा धन छोड़ो, अगर 10 रुपए का नोट गिर जाए किसी का ना, तो वो तब तक घूम घूम कर देखेगा जब तक मिल न जाए। पर यहां नारद जी महाराज से सनकादिक ऋषि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपका धन चला गया। तो भैया वास्तव में सच्चा धन है क्या जानते हो? भक्ति ही एक ऐसा धन है, भगवान का नाम ही एक ऐसा धन है जो जीवन में कभी खत्म नहीं होता। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो चोरी होने का संशय है, आपके पास बल है तो ज्यादा बलवान मिल जाएगा तो उससे पराजित होने का भय है, आपके पास ज्यादा विद्या है तो ज्यादा विद्वान मिल जाए तो पराजित होने का भय है, पर आपके पास भक्ति है, भक्त मिल जाए तो आपको प्रसन्न होने का आनंद मिल जाएगा। इसलिए ये आनंद आपके पास है। संतों का वित्त तो केवल यही है, संतों का परम धन तो भगवान का नाम ही है, उनके पास दूसरा कोई धन नहीं है। मीराबाई ने यही कहा था, मेवाड़ की महारानी होकर संतों के साथ इकतारा लेकर लाल कपड़े पहनकर घूमती हो, संकोच नहीं लगता, लज्जा नहीं लगती? मीराबाई ने कहा कि जब कोई बड़ा धन मिल जाए ना तो छोटे धन का परित्याग कर देना चाहिए। कौन सा धन मिला, संतों के साथ घूमती है एक तारा लेकर जहां देखो वहां, और स्त्री का सबसे कठिन होता है लोक लाज का परित्याग करना। स्त्री प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर सकती है पर लोक लज्जा का परित्याग नहीं कर सकती। और तुम मेवाड़ की महारानी होने के बाद, वहां की बहुरानी होने के बाद एक तारा लेकर के घूमती हो, क्या मिला तुम्हें? मीराबाई ने कहा, मुझे जो मिल गया ना, जिसको मैं दूंगी वो और आगे बढ़ जाएगा, उसमें खत्म होने का कोई संशय बचा ही नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म के पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म के पूंजी पाई, जग में सभी घुमायो आयो जी मेरे राम रतन, राम रतन बन पायो आयो जी मेरे, राम रतन बन पायो आयो जी मेरे, राम रतन बन पायो।
सदगुरु हस्तु अबोल दी मेरे सदगुरु कृपा तेरी पायो जी मेरे कृपा तेरी अपनायो पायो जी मेरे राम रतन वास्तव में मेरा सारा धन चला ही गया समझिए। क्यों? नारद जी ने कहा मैंने सोचा कि जहां भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य लीला किया था जरा चल के उस धरती का समाचार तो